हेलो गाइस, मैं हूं डी जिंकी नाथ और आप देख रहे हैं द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। तो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली मैं एक छोटा सा ब्लॉग लेके आया हूँ। जो ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा बहुत ही शानदार लगेगा आपको, और ये गुवाहाटी का फेमस जगह है, कपल के लिए भी बहुत ही बेहतरीन जगह है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे जाऊँगा और लोकेशन भी मैं आपको पूरा फुल ऑन डिटेल्स दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख के आप उस जगह तक जा सकते हैं। तो चलिए अपने डेस्टिनेशन पर चलते हैं, कम ऑन लेट्स गो। मैं जिस जगह जा रहा हूँ वो जगह का नाम है दीपरबिल, और मेरे घर से मतलब नारंगी सातगांव से अप्रोक्सीमेटली 25-30 किलोमीटर्स होगा डिस्टेंस है। गुवाहाटी सिटी के अंदर ही पड़ता है और बहुत ही बढ़िया जगह होगा, मैं आपको सब कुछ बोलूँगा। पहले आपको गरचुक तक जाना है, गरचुक से लेके आपको पामोही रोड पकड़ना है। पामोही रोड से थोड़ा सा आगे जाके 5-6 किलोमीटर आगे जाके ही आपको दीपरबिल मिलेगा, गुवाहाटी का सबसे लार्जेस्ट लेक। अभी मैं हूँ नेशनल हाईवे 37, मतलब NH 37, और राइट साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये आपका बालाजी टेंपल है, और ये बहुत ही बढ़िया है। अब मैं कभी इसको लेके भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, ज़रूर आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं पूरा गरचुक चाराली में पहुंच गया हूं। अभी हमको लेना होगा लेफ़्ट टर्न, अभी यहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड से जाना पड़ेगा, पामोही रोड पकड़ना पड़ेगा। तो चलिए, यह है आपका पामोही रोड, और अभी यहां से कम 5-6 किलोमीटर दूर जाके हमको अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे। चलिए, आप लोगों को और एक बात बोलना मैं मुनासिब समझता हूँ, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और यहाँ पे आपको वेराइटीज़ मछली, वेराइटीज़ बर्ड्स, वो जंगली एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। तो फाइनली मैं जिस जगह में पहुंचना चाहता था मैं उधर पहुंच चुका हूं, तो मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा। ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉगर ने इसके बारे में दिया भी था, वीडियो अपलोड किया भी था, और मैं भी आज एक उसी के हिसाब से एक वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद ज़रूर आएगा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा अभी। तो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते, आपको लोकेशन दिखाते हैं। चलिए, ভিতর সোমাব পারি নাকি? পারি, কিনব পারি ন? তো চলিয়ে এসে অন্দর ঘুসতে হ্যাঁ, কে কে দেখতে হ্যাঁ একবার।
ये सब कुछ आपको हैंडमेड मिलेगा। ये मोमबत्ती है, बोला ऑर्नामेंट्स बोला की और कार्बी कार्बी सब बुटे ही नहीं ना। कप तो बहुत खूबसूरत है, आपको ये मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जितना भी गारमेंट्स आप दिख रहे हैं ना आपको, ये सब कार्वी है, मतलब यहाँ का जो लोकल है वो यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाया है, खुद हाथों से बनाया है सब कुछ। ये मैं आपको सब दिखा दिया हूँ, तो चलिए आगे भी देखते हैं। थैंक यू। बोलो मैं यहाँ पे पहले भी आया था, बहुत बार आया था, मगर मैं कभी वीडियो नहीं किया। आज सोचा इसी के ऊपर एक ब्लॉग बनाऊं, तो हम आए यहाँ इसीलिए। तो ये है आपका डिपर व्हील, ये बहुत बड़ा लेक है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर पूरा डिटेल्स आपको जानकारी लेना है, मैं आपको जानकारी देने के लिए नहीं वीडियो किया हूं। अगर आपको जानकारी चाहिए मेरे से, बेटर आप गूगल में जाके आपको मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में भी कोई ना कोई तो डाला है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना बड़ा एक लेक है। कीचड़ की वजह से मैं नाव में नहीं उठ पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट अगर जब आ सकेगा तब मैं ज़रूर आपको उठा के दिखाएगा। तो चलिए थोड़ा आगे जाके भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। मैं अभी टॉप में पहुंच चुका हूं, मैं आपको दिखाऊंगा यहां से कितना खूबसूरत व्यू मिलता है, तो चलिए देख लीजिए एक बार। इसके बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, ये एक पिकनिक प्लेस है और ये टूरिस्ट प्लेस भी है। आप लोग जानते ही हैं कि मैं असम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर असम में अगर टूरिस्ट लोग ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली असम का तरक्की बहुत ज़्यादा होगा। असम में ऐसी ऐसी जगह है जो आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कितना खूबसूरत जगह है। तो ये जगह जो है बहुत ही बेहतरीन जगह है। और आपको मैं और एक बात बोलूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कपल्स के लिए प्लेस है, आप डेटिंग मारने के लिए यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। तो आप ज़रूर अपने गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड को लेके ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छा टाइम पास होगा। और अगर आप लोग फोटोशूट भी करना चाहते हैं, अगर फोटोशूट की शौकीन है, तो आप लोग यहाँ पे आके फोटोशूट भी कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मगर आपको टाइमिंग पता होना चाहिए, सुबह और शाम का, शाम ढलने के टाइम में अगर आप लोग आते हैं तो सूरज आप बढ़िया से पिक कर सकेंगे। यहाँ पे कॉमिक टाइप का फ़ोटो खींचने में बहुत बढ़िया लगता है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, होता है कि नहीं, कोशिश करके देखता हूँ। पहले आप फोटो देख लीजिए। अकेले तो इतना मज़ा नहीं आएगा, फिर भी आप लोग मैं दिखा देता हूँ। और एक चीज़, तो मैं रेलवे लाइन पे पहुंच चुका हूं। ये अगर फ़ोटोशूट करने में आपको अच्छा लगता है, अगर आपको आइडिया भी थोड़ा भी है, तो यहाँ पे फ़ोटोशूट करने से कितना खूबसूरत फ़ोटो आएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते।
गर्मी का मौसम आ गया है तो यहाँ पे बैठ के आदमी लोग रेस्ट भी करेगा। और ये जो लाइन गया हुआ है ना, ये रास्ता जो है, ये रास्ता आप लोग को मेघालय कनेक्टिंग रोड बना रहा है। अभी थोड़ा टाइम है, कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। और ये रोड गया है आपका रानी बोल के जगह है, जो एकोलैंड है। आप लोगों को शायद मालूम, किसी को होगा किसी को नहीं होगा, एकोलैंड ये एक वाटर पार्क है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, थोड़ा उन लोगों का प्रॉब्लम की वजह से पानी ख़राब था, उसी के लिए बहुत आदमी बीमार पड़ गया था, तो इसीलिए वो लोग एकोलैंड को गवर्नमेंट ने बैन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप जितना भी देखेंगे सब पहाड़ है, उस साइड में एक बड़ा सा लेक है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपका नोटिफिकेशन जो है मैं वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों को मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड जॉय आई होम, बाय बाय।